सिर्फ 5 दिन बचे हैं और सभी अपने बूथों पर जुट जाए। जय राम जी को जय श्री राम, कश्यप जी को जय श्री राम, अम्मी जी को जय श्री राम। स्वागत है जी, स्वागत है, स्वागत है जी, स्वागत है, स्वागत है जी, स्वागत है। योगी योगी जी को जय श्री राम, योगी जी को जय श्री राम। भारत माता की जय, भारत माता की जय। आने के तहत आप एक पूर्वी हिमाचल में पधार रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी दूर मंडल की ओर से आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। अम्मी भाई आगे बढ़ो, अम्मी भाई आगे बढ़ो, हमारा नेता कैसे है। मुख्यमंत्री आदरणीय आदित्यनाथ योगी जी, हम सब आपका दूर विधानसभा क्षेत्र में हार्दिक अभिनंदन कर बहुत बहुत धन्यवाद। दुश्मन टेढ़ी निगाहों से नहीं देख सकता। पहले कोई आतंकवाद थोपता था, कोई अवगाहवादियों को प्रश्रय देता था, कोई नक्सलवाद को प्रेरित करता था। आज भारत की धरती पर आतंकवाद को प्रश्रय देने की बात तो दूर, अगर कोई अपनी भूमि पर भी भारत के खिलाफ षड्यंत्र करता है तो भारत का बहादुर जवान वहां घुस करके एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से उसको जवाब भी देने का कार्य करता है। ये है नया भारत जो किसी के सामने न टिकता है, न हटता है, न झुकता है। वह केवल और केवल अपने 135 करोड़ नागरिकों के हितों के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरी ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहा है। विगत 5 वर्ष के अंदर हम सब ने हिमाचल प्रदेश को विकास की नई ऊंचाइयों को छूते हुए देखा है। लोकप्रिय मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम जी के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश विकास की एक नई ऊंचाइयों को छू रहा है। और भाइयों बहनों, मैं आप सबसे यही कहने के लिए आया हूं, हमने कांग्रेस की सरकार होती थी टेस्ट का पैसा सब कांग्रेसी दलाल खा जाते हैं। आपने देखा होगा स्वर्गीय राजीव गांधी जी को कहना पड़ा था, गरीबों का उपचार नहीं होता। और जब भी महामारी इससे पहले आई है, बीमारी से तो लोग मरे ही मरे हैं, भूखमरी से उससे ज्यादा मौतें हुई। प्रधानमंत्री मोदी जी ने फ्री में राशन की सुविधा भी दे दी। संकट में जो आपका साथी है वही सच्चा साथी है। शेष तो भाइयों बहनों, वह स्वार्थी है जो आपके संकट में खड़ा नहीं हो सकता। क्या दोनों भाई बहन कहीं थे क्या? कोरोना काल खंड में आए थे क्या आपके यहां? आएंगे भी नहीं। जब भी भारत पे संकट आता है तो उनको नानी याद आती है।
और भाइयों बहनों यही मैं कहने के लिए आया हूं, मैं तो उत्तर प्रदेश से आया हूं ना, मैं पिछली बार मैंने कहा था ना कि यहां पर अच्छा काम है। सदैव अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में भारतीय जनता पार्टी की प्रेम कुमार धूमल जी की सरकार ने फार्मा पार्क की स्थापना करके देश के हर मेडिसिन उद्योग को यहां पर लाने का काम किया था। यहां पर उद्योग फले पनपे हैं, आगे बढ़े हैं और ट्रांसपोर्ट का काम यहां पर है। और मैंने तब कहा था यहां के ट्रांसपोर्टर को उत्तर प्रदेश में कोई समस्या नहीं आएगी। तो भाइयों बहनों जब वह किसी लायक नहीं है तो फिर उनको वोट काहे देकर अपना वोट खराब करें। कांग्रेस आपके सुख दुख में भागीदार नहीं बन सकती, कांग्रेस आपको सुरक्षा नहीं दे सकती, कांग्रेस आपका विकास नहीं करा सकती। कांग्रेस का हाथ माफियाओं के साथ, कांग्रेस का हाथ भ्रष्टाचारियों के साथ। और मैं कह रहा हूं कांग्रेस के नेता एक परिवार के बारे में सोचते हैं और मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी 135 करोड़ लोगों के बारे में सोचती है, 135 करोड़ लोगों के जीवन में कैसे परिवर्तन लाया जाए। और फिर से इसलिए विकास की इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक है डबल इंजन सरकार फिर से हिमाचल प्रदेश में आए। उत्तर प्रदेश की जनता ने तो बहुत जवाब दे दिया है, 25 करोड़ की आबादी है, 403 विधानसभा उत्तर प्रदेश में है और कांग्रेस के पास है मात्र दो, मात्र दो सीट है। और भाइयों बहनों ये दो सीट भी कांग्रेस के पास हैं। आप देखते होंगे राम नाम सत्य है के लिए चार आदमी चाहिए होते हैं और उनको जनता ने इस लायक भी नहीं सोचा कि उस वहां तक पहुंचा सके। इसलिए आप सबसे मैं अपील करूंगा श्री परमजीत सिंह पंपी को कमल चुनाव चिन्ह पर इतना भारी बहुमत से बताइए कि विकास के लिए आपको बोलना नहीं पड़ेगा बल्कि स्वयं आपका विधायक विकास करा करके आप सबको संतुष्ट कर दे। चिन्ह को लेकर के परमजीत सिंह पंपी के प्रतिनिधि के रूप में घर घर आप जाकर के 12 नवंबर को वोट पोल कराने के लिए सबको आमंत्रण दीजिए। देंगे? सहमत हैं?